मेरा हिजर नसी। नूरा नूरा जी मैडम, कहाँ हैं दोनों? जी वो तो अपने कमरे में। मेरा नाश्ता यहीं ले आओ और अकबर से कहो। अकबर, उसने तुम्हें कभी कुछ तो बताया होगा कि ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे कैसे पता होगा? अभी और इसी वक्त मेरी वकील से बात करवाओ, जाओ फौरन। कमबख्त कहीं का, इसको तो जेल में सड़वाऊंगी। जेल से निकलने ना पाए, और अगर इसके साथ भी कोई है तो उसको भी नहीं छोड़ूंगी, फांसी लगवा कर ही दम लूंगी इसे। कमबख्त कहीं का। हाय हाय, पहले वाले जो है ना, बहाने बहाने से सौ सौ सवाल कर रहे हैं कि गौहर का वलीमा क्यों नहीं हुआ, दावतनामे क्यों नहीं बटे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बहाने बनाऊं। अरे बाबा, उन्हें बता दो ना कि लड़के वालों ने हमें ही बुलाया, तो हम उनको कहां से बुला लेते। गौहर के अब्बा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? पहले ही सौ सौ बातें की हैं उन्होंने इस शादी पे। अब नया शोशा छोड़ दो कि बेटी के ससुराल वालों ने बुलाया ही नहीं वलीमे पे। अरे बार बार झूठ बोलने से बेहतर है कि एक बार उन्हें सच बता दो कि लड़के वाले ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं करते, वो ज्यादा उम्मीद ना रखे। फिलहाल तो खैर मैंने ये बहाना बना दिया कि वो गोगो को लेके कहीं बाहर दुबई वुबई जा रहा है, इसलिए मसरूफियत की वजह से दावत नहीं देंगे। जब वापस आ जाएंगे तो फिर दावत दी जाएगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बहाना बनाऊं, बस ये बना दिया। और हाँ, वो बुशरा की जो सास है ना, उसने अलग दिमाग खा रखा है मेरा। क्या कह रही है वो? भाई वो कह रही है कि उसके पूरे खानदान को बुलाया जाए वलीमे पे। समझ में नहीं आ रहा अभी सही ये हाल है तो आगे क्या होगा। वो मैं कह रहा था कि सुबह हो गई है, तुम तैयार हो जाओ तो फिर हम नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। मामा भी हमारा इंतजार कर रही होंगी। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बस नहीं जाना। और हाँ, भाभी प्लीज अभी सारे ड्रामे बंद करें, मोहब्बत जताने के ड्रामे, ख्याल रखने के ड्रामे, रोज रोज यूं रूप बदलने के ड्रामे। इस बात को तुम नहीं समझोगे, इसलिए बेहतर है कि इसमें दखल अंदाजी मत करो। मैं नहीं समझूंगी या आप नहीं समझना चाह रहे? अरे क्या है ये सब कुछ, कि ड्रामा नहीं है तो और क्या है? एक शख्स जो पूरे दिन मोहब्बत के दम भरता है, यूं शाम ढले क्या हो जाता है उसे? मैंने कहा ना, नहीं समझोगे तुम, इसलिए छोड़ दो इस बात को। बात यह है कि आप समझना नहीं चाह रहे हैं। समीर, मेरी बात सुनिए।
इधर आई, इधर आई, बैठिए। समीर, जो मैं कह रही हूं उसे गौर से सुनिए। ये सब कुछ आपके साथ चल रहा है कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ आपका वहम है, ये आपका ख्याल है, कोई ऐसी बात है जो आपके दिमाग में फंसी हुई है, कोई पुरानी याद है जो आप भूल नहीं पा रहे हैं। मैं समझती हूँ इंसान की जिंदगी में कुछ मराहिल ऐसे होते हैं जो वो नहीं गुजार पा रहा होता, वो तन्हा होता है, उसे किसी साथी की जरूरत होती है। मैं समझती हूँ ये बात, हो सकता है आपको भी किसी साथी की जरूरत पड़ी हो। हाँ, लेकिन अब मैं आ गई हूं ना। अरे अब आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए, अब तो मैं हूं ना आपके साथ, आपके साथ हूं, आपके हर खौफ से लड़ने के लिए, आपका साथ देने के लिए खड़ी हूं मैं। बस जो मैं कह रही हूं आपको समझना होगा, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट, 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 ट्रस्ट की बात नहीं है। देखो गौर, मैं देखो नहीं समझोगे ना तुम, और मैं नहीं चाहता कि तुम चाहता हूं तुमसे प्यार, और करता भी हूं, और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, बंद करें झूठ बोलना, मुझसे भी और अपने आप से भी। सच सुनना चाहते हैं आप? सच सुनना चाहते हैं? तो सच ये है कि आपको किसी से मोहब्बत नहीं है सिवाय अपने आप के। आपकी नजर में किसी के जज्बात की कोई अहमियत नहीं है सिवाय अपने जज्बात के, समझे आप? मसला यह नहीं है कि आप बदल नहीं सकते, मसला यह है कि आप तो बदलना चाहते ही नहीं। काशिफ और दुनिया आज हमसे मिलने के लिए आएंगे शाम को। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम तैयार रहोगे।
देख लिया समीर से शादी करने का अंजाम? मेरा तो तुम्हें मुखलिसाना मशवरा है, जिंदा रहना चाहती हो तो चली जाओ यहां से जल्द अज जल्द। कैसी माँ हैं आप, अपने ही बेटे की दोहरी शख्सियत पे फखर कर रही हैं, उसकी बर्बादी पे खुश हो रही हैं। जाहिर है सौतेली जो ठहरे। नहीं हूं मैं उसकी सौतेली माँ, मैं उसकी सगी माँ हूं, बल्कि उससे भी बढ़कर। तुम क्या जानो कितनी जली हूं मैं, कितनी कुढ़ी हूं उसके लिए। काश काश के ऐसा ही होता तो आज उसकी शख्सियत यूं बिखरी हुई ना होती। कोई तो बात है जो उसके दिमाग में फंसी हुई है, कोई ऐसी बचपन की याद है जो वो भुला नहीं पा रहा है। हो सकता है अपनी मां की वजह से, हो सकता है उसकी मां की दूरी ही उसकी इस हालत की जिम्मेदार हो, हो सकता है वो उनसे मिलना चाहता हो, उन्हें याद करता हो। समीर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, और ये जो तुम बार बार सगी मां कर रही हो, उसे उसकी सगी मां की बेवफाई की वजह से ये बीमारी हुई। यही वजह थी कि मैं उसकी शादी के खिलाफ थी। तुम क्या समझती हो मैंने उसका इलाज कराने की कोशिश नहीं की? अरे दुनिया के आला से आला और बेहतरीन से बेहतरीन साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज करवाया। कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा क्या आप मुझे बता सकती हैं उसकी सगी माँ की कब्र कहाँ है? मैं उसे वहां लेके जाती हूँ। अरे हो सकता है वहां जाके उसकी तबीयत में कोई फर्क आए। हाँ हमें क्या पता वो कहाँ जाके मर खप गई। और तुम बीबी किस लिए ये गड़े मुर्दे उखाड़े? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं बीबी, तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हारे हक में अब यही बेहतर है कि तुम जल्द अज जल्द यहां से चलती बन, और अगर मरना चाहती हो तो यहीं पड़ी रहो। ये क्या किया आपने अकबर चाचा? मुझे तो जैसे ही पता लगा मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। मेरे पास सिर्फ
आप ही का नंबर था उसे देने के लिए। मुझे अपने किए पर अफसोस नहीं है, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि सौरभ को पूरी तरह तबाह करने से पहले मेरा राज खुल गया। काश काश कि आपने बदले के लिए सब कुछ ना किया होता, काश कि मैंने समीर को सब कुछ सच सच बता दिया। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे गौर बीबी, वरना वो औरत सब तबाह कर देगी, आप उसको नहीं जानते। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मेरी बहन उस इदारे में तन्हा रह गई है। आप बेफिक्र रहिए, मैं उनका ख्याल रखूंगा। ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए आपको यहां बुलाया था कि ना जाने कब तक कैद में रहूं, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। फिक्र है तो अपनी माजूर और मजबूर बहन की, कि उसका कौन ख्याल रखेगा। वो तो बेचारी किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर सकती। मैं रखूंगी ख्याल, मैं वादा करती हूँ मैंने तनहा नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, अगर आपको भी किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। अल्लाह आपको उसका अजर दे। अपना ख्याल रखिए। प्यारी लग रही। थैंक यू। मुझे खुशी हुई कि तुम तैयार हुई, मेरे लिए हुई हो या मेहमानों के लिए? पहली दफा मेहमान घर आ रहे हैं, आप ही ने कहा था। वो लोग आते होंगे, मैं नीचे उनका इंतजार करूंगा, और तुम्हारा भी। हाय समीर, हाय गौहर, क्या हाल है? I'm so sorry I couldn't make it to your wedding. So I thought that I should come in person and give you a congratulations. That's very kind of you. Thank you. Kashif? Where are you? These are for you. Hello Kashif. How are you? Thank you. What was the need? You guys came enough. Please, have a seat. Thank you. How's the world? How's the company? Great. आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। I'm really looking forward to our project. Yeah, I'm me too. I love your house. It's beautiful. Thank you so much. Listen, if you don't mind, can we take a quick tour? I'd love to look around. Absolutely not. I'd love to. Please. मुझे paintings का बहुत शौक है और यहाँ पर आते हुए मैंने कुछ देखा। जरूर, let's start from here. Yeah. Do you mind? Just 5 minutes. Huh? काम हो गया। तेरा है जो है या मेरा रखी, मैं पास तू नहीं।
दुश्मन न कोई हबीब, तेरा इश्क है जहे नसीब, मेरा हिज्र जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। खूबसूरत लग रही है। लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे स्वरूप का साथ क्यों नहीं दे रही? आंखें झूठ भी तो बोलती हैं। और तुम्हें जिन आंखों में झांकने की जरूरत है वो अब किसी और की है, मेरी नहीं। कुछ चीजें हमारे बस में कहां होती हैं। मेरी बदकिस्मती है कि आज इस मौके पर तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए एक अजनबी मेहमान की तरह तुम्हारे सामने आ बैठा हूं। नसीब और मुकद्दर पे भला किसी का जोर कब चला है? तूने अच्छी लड़की, तुम्हें डिजर्व करती है। आई थिंक मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती थी। कौन किसे डिजर्व करता है, ये तो मेरा दिल ही जानता है। खैर, सब ठीक चल रहा ना तुम्हारी तरफ? ब्यूटीफुल। क्या बातें हो रही हैं? So, what did I miss? कुछ भी नहीं। जाने की कोशिश कर रहा था घर को। I think we should move to the dining room, huh? Select, go on. Let's go. आइए प्लीज। यार गोगो फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या इरादे हैं गोगो? इरादे तो काफी अच्छे। सोच रही थी कि क्यों ना आज मैं तुम्हारा मेकअप करूं। मेरा दिमाग खराब तो नहीं हुआ? क्यों कराऊंगी मैं तुमसे भला मेकअप? सवाल तो अच्छा है, मगर क्या है ना कि हो सकता है कि फॉर चेंज अगर मैं तुम्हारा मेकअप करूं और उसमें थोड़ी मोहब्बत शामिल हो तो शायद तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगो। भरोसा नहीं मुझे तुम पर।
बिला वजह जानबूझ के कहीं शक्ल बिगाड़ना। एक बार भरोसा करके तो देखो। कभी किसी पे भरोसा किया नहीं मैंने। आखिरी बार वैसे कोई भी काम पहली दफा करने में मजा तो आता है। करना ठीक है। नूरा, नूरा, नूरा जी, जी कहाँ मर जाते हो सब जाकर? कब से आवाजें दे रही हूँ? वो जी किचन में थी मैं। समीर आ गया क्या? जी वो तो शाम को ही आ गए थे और आते ही अपने कमरे में चले गए और फिर वही। अच्छा ऐसा करो, तुम सब लोग अपने क्वार्टर्स में जाओ और सुबह होने से पहले कोई ना आए अंदर। जी ठीक है। समीर जानते हो तुम्हारी तरह मेरा भी एक शहजादा था। आज अगर वो होता तो तुम्हारी उम्र क्या होता और शायद तुम्हारी तरह ही दिखता। कहाँ गया वो? वो परियों के देश, शायद उसे परियां ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं
मैं उसे अच्छी नहीं लगती थी। दूर चला गया। कभी वापस ही नहीं आया। जैसा तुमने चाहा, हमेशा वैसा ही किया मैंने। अब तो खुश होना। हाँ, खुश हूं। इस कदर नफरत क्यों है मर्दों से तुम्हें? पता नहीं, पर मुझसे मोहब्बत है। बहुत ज्यादा। सच कहती हो तुम, सिर्फ तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, बाकी सब झूठ बोलते हैं। सिर्फ तुमने वफा निभाई है। मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। लेकिन ये तो बताओ, क्यों करता हूं इतनी मोहब्बत? आखिर गलती क्या हो मेरी? समझो, तो बहुत कुछ। ना समझो तो कुछ भी नहीं। आई रे आई, thank you।
रजबली, ये बच्चा ऐसे ले लो और निकाल दो इसे।